मुझे अपने रब से आस के मेरा प्यार मिलेगा। मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। ए नजारों गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई। जूं ऐ दिल मेरा जान बहार आएगा। दिल की उमंगे हुई जवान, मेरा महबूब आ गया। पाकिस्तानी फिल्मों में प्लेबैक गईगी में बहुत से गुलकारों ने अपने फ़न का डंका बजाया, जिनमें मेहदी हसन, अहमद रुश्दी, इनायत हुसैन भट्टी, मुजीब आलम, एन नैयर और इखलाक अहमद के नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन ये फहरस्त मसूद राना के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती, जिन्हें पाकिस्तान का मोहम्मद रफ़ी कहा जाता था। उसकी वजह ये थी कि उनकी गईगी का अंदाज़ मोहम्मद रफ़ी से मिलता जुलता था। नौ जून 1938 को मीरपुर खास सिंध में पैदा होने वाले मसूद राना का पूरा नाम मसूद अहमद राना था। उनका ताल्लुक एक ज़मींदार घराने से था जो जालंधर से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। गाने का शौक़ उन्हें बचपन से था। उन्होंने 1955 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गाना शुरू किया और 60 की दहाई में कराची में एक सिंगर्स ग्रुप कायम किया, जिसमें उनके अलावा नज़ीर बेग, अदाकार नदीम और इखलाक अहमद शामिल थे। प्लेबैक गायकी के मुतमन्नी के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि उन्हें अपनी इस ख्वाहिश की तकमील का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। मारूफ अदाकार साकी इनकी मदद को आए। उन्होंने हिदायतकार इकबाल शहजाद से मसूद राना का तारुफ करवाया और उन्होंने मसूद राना से इस फिल्म के लिए एक गाना गवाया जिसके बोलते मशरक़ की तारीख फिजा में नया सवेरा फूटा है। इसकी मौसीकी एन के राठौर ने तरतीब दी थी। नाल बहारा सजना यार नाल बहारा था ये तुमने तुम्हारे हुए हैं तुम्हारे रहेंगे ये वादा किया था। लेकिन उनको असल शोहरत 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म बंजारन से मिली। इस फिल्म की मौसीकी दीबीयू भट्टाचार्य ने तरतीब दी थी। यही से उन्हें पाकिस्तानी मोहम्मद रफ़ी का खिताब दिया गया। उन्होंने बड़े मुश्किल गीत गाए और वो मौसीकारों की पहली तरजीह बन गए। 1964 में उन्होंने पंजाबी फिल्म डाची के लिए एक गीत गाया, टांगे वाला खैर मंगदा। ये गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ। इसकी मौसीकी अपने वक्त के नाम और संगीतकार बाबा जी ए चश्ती ने दी थी। मसूद राना का गाया हुआ ये गाना बच्चे बच्चे की जुबान पर था। 1966 में जब हमरा ही रिलीज हुई तो कमाल हो गया। इसमें उन्होंने मुजफ्फर वारसी के लिखे हुए 6 गीत गाए जो सब के सब सुपर हिट हुए। इसके बाद वो उर्दू और पंजाबी फिल्मों की ज़रूरत बन गए। अभी तक मसूद राना वो वाहिद मर्द सिंगर है जिन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्मों में 300 से ज़ायद नगमात गाए। उन्होंने 550 से ज़्यादा फिल्मों के लिए गीत गाए और 1962 से 1995 तक अपनी मौत तक मुसलसल गुलकारी की। ਸਾਡੀ ਅਜਬ ਕਹਾਣੀ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਅਜਬ ਕਹਾਣੀ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਫੂਲੋਂ ਕੀ ਕਸਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆਉਂਗਾ ਨਾ ਆਉਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਅਹਿਮਦ ਰੁਸ਼ਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕਾਮਯਾਬ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मसूद राना ने मिली नगमात गाकर भी बहुत शोहरत हासिल की। इन नगमात को आज भी पाकिस्तान के कौमी दिनों के मौके पर गाया जाता है। 1966 में हुमायूं मिर्ज़ा की फिल्म आग का दरिया में उनका गाया हुआ मिली नगमा आज भी वलवलों को ताज़ा कर देता है। इस नगमे को जोश मलिह आबादी ने लिखा था जिसके बोलते ए वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है जोश है ईमानों में। ऐ वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में,
जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। ये मिली नगमा इन फौजी जवानों के लिए गाया गया था जिन्होंने 1965 में भारत से जंग लड़ी थी और इसका मकसद उनकी हौसला अफजाई और उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करना था। 1966 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म हमराही का ये गाना भी फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए लिखा गया था। याद करता है ज़माना उन ही इंसानों को, पाकिस्तान में मेहदी हसन और मसूद राना के अलावा कोई और गुलकार ऐसा नहीं जिसने उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों में मशहूर गीत गाए हो। अहमद रुश्दी ने उर्दू फिल्मों के अलावा पंजाबी फिल्मों के लिए भी नगमात गाए लेकिन ये नगमात बहुत कम थे। इसके अलावा इनायत हुसैन भट्टी थे लेकिन उन्होंने भी ज़्यादातर पंजाबी फिल्मों के लिए ही गीत गाए। उर्दू फिल्म शायद एक आधे ही होगी जिसके लिए उन्होंने नगमात गाए। मसूद राना की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने उर्दू और पंजाबी ज़ुबान में यकसा महारत से गीत गाए। उनकी अदाकार नदीम से बड़ी दोस्ती थी और उनके ज़्यादातर सुपरहिट नगमात भी नदीम पर ही अक्स बन किए गए। मसूद राना ने कुछ फिल्मों में बतौर अदाकार भी काम किया लेकिन वो इस मैदान में कामयाब न हो सके। उन्होंने फिल्म शाही फ़कीर में मरकज़ी किरदार अदा किया और फिर पंजाबी फिल्म दो मठियारा में साइड हीरो के तौर पर सामने आए। इस फिल्म में सलोनी उनकी हीरोइन थी। कहा जाता है कि उन्हें अदाकारी का कोई शौक़ नहीं था लेकिन उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें मजबूर किया कि वो अदाकारी के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाए लेकिन बाद में उन्हें एहसास हो गया कि अदाकारी उनका मैदान नहीं। ले न जो ठोकर से वो इंसान नहीं है, इस दुनिया को इंसान की पहचान नहीं। भूल के पुराने दुखड़े नवी दुनिया बसानी है, नवी दुनिया बसानी है, साड़ी अजब कहानी है। उनके कुछ मशहूर गीतों में तुम ही हो महबूब मेरे, फिल्म आई ना, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, फिल्म बदनाम, तेरी याद आ गई, फिल्म चांद और चांदनी, जूम ए दिल वो मेरा जाने बहार आएगा, फिल्म दिल मेरा धड़कन तेरी, तेरे बिना यू गड़िया बीती, फिल्म आंसू, मेरे दिल की है आवाज़, फिल्म बहारो फूल बरसाओ, हो टांगे वाला खैर मंगदा, फिल्म डाची, तेरे मद बरे नैन, फिल्म जेरा ब्लेड, सजनात ने बू है आगे चक तन लई, फिल्म भरिया मेला। मसूद राना ने मुल्क की नाम और गुलकाराओं के साथ बेशुमार ड्यूट्स गाए जो बेहद मकबूल हुए और ये दो गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं। 4 अक्टूबर 1995 को मसूद राना दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इस वक्त वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने जितना काम किया बहुत अच्छा किया, बतौर इंसान भी उनकी बहुत तारीफ़ की जाती है। ऐसे लोग हमेशा दिलों में ज़िंदा रहते हैं।